को जल्दी थकान हो जाती है और वीक महसूस करते हैं। क्या आपके नेल्स ब्रिटल हैं? क्या आपकी सांस जल्दी फूल जाती है? क्या आपका सर चकराता है और दर्द करता है? क्या आपकी चेस्ट में पेन होता है? क्या आपकी स्किन पेल है या उसके कलर में पीलापन आ गया है? अगर हाँ, तो ये सिम्टम्स अनेमिया यानी खून की कमी के हो सकते हैं और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहेते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का विषय है अनीमिया। अनीमिया यानी खून की कमी। सवाल ये है कि क्या खून की कमी हो सकती है जानलेवा? ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? इस सीरियस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ आ जाए घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद। दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अनीमिया यानी खून की कमी से जुड़े हुए रोगों के बारे में। अगर आप या परिवार में से किसी को भी इस रोग के कोई भी सिम्टम्स है तो तुरंत डायल करें सेहत का नंबर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि अनीमिया यानी खून की कमी क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है? देखिए, विषय बहुत अच्छा है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जानलेवा हो सकता है, डेफिनेटली बहुत कॉमन समस्या है। लेकिन आपको ये समझना है कि पहले तो अनीमिया होता क्या है। हमारे शरीर में जो रक्त है, खून है, ब्लड जिसको बोलते हैं, उसकी जब क्वांटिटी कम हो जाती है, और आपको मालूम है कि रक्त हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, 7 धातु हमारे शरीर में हैं, उनमें से ब्लड भी एक है। और इसका काम क्या है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन और जो भी हम खाना खाते हैं, जो पोषण न्यूट्रिएंट्स, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, जगह जगह पर जो है उसको पहुंचाने का काम करता है, और वहां जो टॉक्सिन्स हैं उन टॉक्सिन्स को वापस लेकर के आता है। तो बहुत बड़ा रोल है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, टॉक्सिन्स को साफ करना। तो अगर रक्त कम होगा तो उससे क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग आएंगे, अनेक प्रकार की बीमारियाँ आएंगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपको एनीमिया हो गया है। बहुत सारे लोग तो टेस्ट ही नहीं कराते हैं। तो यदि कहीं आपको शरीर में थोड़ी बहुत थकान महसूस होने लगी है, कमजोरी फील करते हैं, पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब थोड़ी वीकनेस महसूस कर रहे हैं, और थोड़ा चलने फिरने पर, ख़ास तौर से एक्सरसाइज करते समय या स्टेयर्स पर जब आप चढ़ते हैं, एक्सरसाइज में तो नॉर्मली सांस फूलता ही है, लेकिन मान लो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप या थोड़ा पैदल चल रहे हैं और उसमें आपका सांस फूलने लगे, कोई थोड़ा वजन उठा लिया, सब्जी लेने गए हैं, सब्जी लेके आए तो चलने चलने में सांस फूल रहा है, त्वचा आपकी जो है थोड़ी कहीं से येलोइश हो रही है, आपके नाखून, आँखें या त्वचा में पीलापन यदि है, और आपकी ग्रोथ यदि ठीक से नहीं हो रही है, छोटे बच्चों में विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक से तो कहीं ना कहीं खून की कमी उनमें हो सकती है। इसके अलावा हाथ और पैर अगर ठंडे होते हैं आपके, कई लोग कहते हैं मेरे हाथ बड़े ठंडे रहते हैं, या चक्कर आता है आमतौर पर, डिजीनेस महसूस करते हैं, स्पेशली जब आप कहीं बैठे हैं और एकदम से खड़े होकर के जब चलते हैं तो चक्कर आने लगे, या बिस्तर से उठते हैं, शरीर में या आपकी हड्डियों में या जोड़ों में कहीं दर्द अगर होता है, तो यदि ये लक्षण आपको हैं तो एक बारी ब्लड टेस्ट करा लीजिए, उसमें हीमोग्लोबिन का मालूम चल जाएगा। क्योंकि सही समय पर यदि उपचार आपने नहीं किया तो जैसा शुरू में बोला कि इट कैन बी वेरी सीरियस, जानलेवा हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और अनीमिया के कारण डिप्रेशन भी हो जाता है, आपने शायद ये कभी सोचा नहीं होगा। और प्रेगनेंसी के अंदर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनमें तो आपको मालूम ही है, उनमें तो बहुत ध्यान रखा जाता है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया हो जाए तो काफ़ी सीवियर सिचुएशन कई बार हो जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ ठीक से नहीं होती।
तो एनीमिया को हल्के में मत लीजिए जी। डॉक्टर साहब इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी कि एनीमिया के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। देखिए अक्सर जो लोग एनीमिया जिनको होता है और उसको अगर वो निगलेक्ट करते हैं, उसका प्रॉपर अगर वो उपचार नहीं करते, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि सीरियस प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं। तो कारण मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सबसे सरल और सबसे जो मेन कारण है, सिंपल कारण जिसको हम कहते हैं, पोषण की कमी। कुपोषण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज भारत में। लैक ऑफ न्यूट्रिशन छोटे बच्चों में, आप थोड़ा रूरल इंडिया में जब जाते हैं तो पोषण जो गरीब लोग हैं उनमें पूरा भोजन उनको नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो वहाँ पर बहुत ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उससे आयरन की कमी हो जाती है, या खून ना बनना किसी कारण से। आप पोषण भी ठीक ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्लड नहीं बन रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं जो है आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो आपकी जो धातु अग्नि है, मेटाबॉलिज्म है, वो कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। या किसी किसी केस के अंदर एक कारण ये भी होता है कि ब्लड सेल्स बनती तो हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत सारे ऐसे, जैसे सिकल सेल एनीमिया आपने सुना होगा, या ल्यूकेमिया जिसको कि ब्लड कैंसर कह देते हैं, वहाँ ब्लड सेल बन रही हैं लेकिन वो डिफॉर्म्ड हैं, गलत हैं, ज़्यादा देर तक रहती नहीं। एक कारण और भी है कि यदि किसी कारण से कोई चोट लग जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, जैसे महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, उसमें बहुत ब्लीडिंग अगर हो रही है, कई लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, ब्लीडिंग पाइल्स जो होते हैं उसमें भी कुछ लोगों को बहुत ब्लीडिंग होती है, तो एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग उसके कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है। या प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है एनीमिया हो जाता है, क्योंकि उस समय एक जो है दूसरा बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है, उसको भी पोषण चाहिए, मदर को भी पोषण चाहिए, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अक्सर एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये तमाम कारण जो है मैंने सरल तरीके से आपको समझाए। मैंने आपको ये भी बताया कि ये रोग जो है बहुत कॉमन है, अक्सर हो जाता है, लेकिन इसको जो है हमेशा इसका सही समय पर उपचार करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीरियस इसके हो जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि अगला सवाल पूछूं जी, हमारे एक कॉलर हैं जो वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं कौस्तुभ दिल्ली से। सर मैं ट्रैवलिंग्स में सेल्स में जॉब करता हूँ, ट्रैवलिंग्स की प्रॉब्लम रहती है और उसके कारण मेरे खान पान की वजह से या वैसे ट्रैवलिंग्स की वजह से मेरे पेट में गैस ज़्यादा रहती है। कोई नुस्खा घर के लिए या कोई उपचार हो आपके पास तो बताएं जी। देखिए आपने जो कारण तो खुद ही बताया कि आप ट्रैवलिंग का काम करते हैं, और जब कोई भी ट्रैवलिंग जॉब में होते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है भोजन की। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं और घर से जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि भोजन घर से ले जाएं, अगर पॉसिबल है। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे हॉट केस मिलते हैं आपको जिसमें खाना गर्म भी रहता है, तो भोजन अपना घर का बना हुआ आप साथ रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा, अगर बाहर खाना भी पड़ता है, कभी कभार पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ थोड़ा ध्यान कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि शाही पनीर या फिर कोई तली हुई चीज़ या पराठा ही खाना है आपको, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कुछ वैसी चीज़ें भी मिलती हैं, खिचड़ी भी मिलती है रेस्टोरेंट्स में, सब चीज़ें आजकल मिलती हैं, दाल मिल जाती है, पीले वाली दाल, तूर की दाल हल्की होती है, चपाती मिल जाती है आजकल, तो सब चीज़ सब तरह का भोजन उपलब्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। और जहाँ तक इलाज की बात है तो आप दिल्ली में रहते हैं, एक बार किसी भी जीवा क्लिनिक में आप जो है जा कर के मिल लीजिए, क्योंकि कुछ दिन दो तीन महीना आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। कई बारी उसमें जो है हमें अग्नि को मजबूत करना पड़ता है, कई बारी अगर कोई चीज़ वहाँ ऑलरेडी डिफॉर्म हो गई है, कोई विकृति आ गई है, तो उसको ठीक करना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। जो इम्पॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं वो केवल आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए हैं। जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रैवलिंग जॉब में होते हैं, या इस तरह का आपका एक शेड्यूल होता है कि खाने का टाइम कई बारी जो ऊपर नीचे हो जाता है, इसको प्लीज़ ठीक कर लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी हेल्थ को, अगर ठीक रखने के लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल इसका होता है। देखिए इन्होंने वीडियो कॉल करके अपना सवाल पूछ लिया। अगर आप भी वीडियो कॉल के माध्यम से अपना सवाल पूछना चाहते हैं, बेशक डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर, या फिर आप नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में भी जा सकते हैं।
सेहत के नंबर पे कॉल करके आप जीवा के एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं और पा सकते हैं एनीमिया या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम का इलाज। प्लीज नोट डाउन सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। तो डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर ऐसी कोई केस स्टडी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, केस स्टडी बिल्कुल शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे जो इस शो में हम हर बार कोई ना कोई एक अपनी ऐसी केस स्टडी शेयर करते हैं जो कि एक रियल केस है जो हमारे यहाँ आए। तो आज बात हम जो एनीमिया की कर रहे हैं वैसे तो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समझने वाली बात यह है कि एनीमिया का रूट कॉज पहले आपको पता लगाना चाहिए, कारण क्या है। और खाने की अगर बात करूँ, थोड़ा सा मैं एनीमिया से ही अभी बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद केस स्टडी आपको बताऊँगा, उसमें जो है आयरन रिच फूड्स का सेवन आपको करना चाहिए। जो लोग जिनको खून की कमी है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, चुकंदर, टमाटर, करेला सब मिलता है इजीली, एप्पल खा सकते हैं, सेब जो होता है, तरबूज, अंगूर, पपीता, किशमिश, खजूर, अंजीर, ये भी सेवन करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पित्त बढ़ाने वाले भोजन हैं उनको आप अवॉइड करें। एनीमिया वाले पेशेंट ध्यान से सुन लीजिए, चाय, कॉफ़ी, तीखा, मिर्ची, मसालेदार भोजन ना खाएं। और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या जो बेकरी आइटम्स होते हैं, बिस्किट वगैरह, ब्रेड या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको बिल्कुल अभी आप सेवन ना करें अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं। और जो भोजन जो हैं बहुत टेस्टी होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, ये ध्यान करिए आप, लेकिन हेल्दी जो भोजन होते हैं उनको टेस्टी बनाया जा सकता है। उसके लिए आप जीवा में संपर्क करें, हमारे जो लोग हैं आपको इस पर भी गाइडेंस देंगे। अब केस स्टडी पर आते हैं। ये जो केस स्टडी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये एनीमिया की ही है। 50 वर्ष की एक महिला जी, जो कि लगभग 20 साल से इसको एनीमिया था, 20 साल बहुत पुराना रोग है। सब कुछ इसने जो है ट्राई कर लिया, सब तरह के इलाज करके थक चुकी। दो तीन बार तो ऐसा स्थिति आई इसकी कि ब्लड इसको बहुत, हीमोग्लोबिन बहुत कम हुआ तो ब्लड चढ़ाना पड़ा। जीवा के डॉक्टर से इसने बातचीत की, कहीं से पता चला कि जीवा में जाइए, तो जीवा के डॉक्टर ने रूट कॉज उसका डायग्नोस किया, फिर पर्सनलाइज मेडिसिन दी, साथ में उसको प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल रिलेटेड सजेशंस, सब चीज़ उसको बताए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि उसको परहेज भी बताया, क्योंकि पेशेंट जो है ये बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक भोजन खा रही थी, तीखा, खट्टा, मसालेदार भोजन बहुत खाती थी। तो ये कारण था कि 20 साल तक रोग चल गया उसका। जब उसका इलाज शुरू किया तो हीमोग्लोबिन उसका करीब 7.8 इतना था, तीसरे महीने में 10.8 हो गया। तीसरे महीने में, देखिए 20 साल पुराना रोग है, छठे महीने में 11.3 ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आ गया है, 10 से ऊपर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। 20 साल पुराना रोग 6 महीने में ठीक। और लोग कहते हैं कि आयुर्वेद स्लो है, अब बताइए, आप बताइए जी, 20 साल पुराना रोग, 20 साल से इलाज करा रहे हैं, ठीक नहीं हुआ, हमारे यहाँ 6 महीने में ठीक हो गया। वाओ। तो इसलिए देखिए, मैंने शुरू में कहा कि केस स्टडी जो हम आपको लेकर आते हैं अपने शो में, उसका पर्पज यही है कि आप ये समझें कि आयुर्वेद जो है वो फास्ट भी काम करता है और बिल्कुल रोग को ठीक करता है। और ये रियल केस स्टडीज हैं सारी, हमारे पास तो हजारों की संख्या में हैं। तो आप जो है थोड़ा आयुर्वेद में अपना विश्वास बढ़ाइए, आयुर्वेद से जुड़िए। बाकी हम लोग हैं, हमारा स्टाफ, हमारे हेल्थ कोचेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारी क्लिनिक्स, हमारा शो, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक, सोशल मीडिया, सब जगह हम आपके साथ हैं। कहीं भी आप खोल लेंगे कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी है, फिर देखिए आयुर्वेद आपके जीवन में एक ऐसी बाहर लाएगा कि आप हमेशा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, तो दोस्तों, बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरत होती है आयुर्वेद की, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे डॉक्टर चौहान की बातों से। लेकिन कैसा आयुर्वेद? ऑथेंटिक आयुर्वेद, पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद, जो व्यक्ति और उसके मर्ज का इलाज कर सकता है, चाहे फिर समस्या एनीमिया हो या कोई और, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। गेट योर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, संपर्क करें सेहत के नंबर पर, वीडियो कॉल के जरिए या वॉइस कॉल के थ्रू, नंबर है आपकी स्क्रीन पर। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें।
इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानना चाहूंगी कि अनीमिया को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और रेगुलर लाइफ में अनीमिया ना हो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे सरल चीज है कि आप जो है अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें लें जो आयरन रिच हैं। चुकंदर और गाजर दोनों बहुत अच्छी होती हैं, इनका आप सूप बना लीजिए, या जो गाजर होती है उसको थोड़ा कद्दूकस करके, थोड़ा उसको छोटा छोटा घिस करके और दूध में डाल करके पका लीजिए। बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं पहले कई बार बताता हूँ इसको। अनार का जूस बहुत अच्छा रहता है, अगर अनार अवेलेबल है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में आंवला बहुत बढ़िया काम करता है, आंवला जरूर आप सेवन करें। आंवला टेबलेट जीवा में मिलती है, आंवले का जूस भी मिलता है, एलोवेरा जूस भी अच्छा है, और च्यवनप्राश बहुत बढ़िया है। महिलाओं के लिए शतावरी टैबलेट है, नारी सखी कैप्सूल है, क्योंकि आयुर्वेद में ये जो रोग है ये बहुत डीपली बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। पांडु रोग के नाम से इसका वर्णन आता है और मुख्य रूप से पित्त के कारण ये होता है। तो आयुर्वेद में जो है इस तरह से हम इसकी चिकित्सा करते हैं और आपका रोग आयुर्वेदिक तरीके से हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका रोग ही नहीं पूरा शरीर, मन, इंद्रियां, हर लेवल पर आप जो है स्वस्थ हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, अनीमिया पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, तो जीवा हेल्थ शो में चार चांद लगाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी। व्यूअर्स, अगर आप अनीमिया से पीड़ित है या किसी और हेल्थ इश्यू से परेशान है तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या रेगुलर वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका भी पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कर लीजिए सेहत का नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द जीवा हेल्थ शो। इन द मीन टाइम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छे से खाएं, पिए, एंजॉय लाइफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।